नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लर्निंग के लिए कहानी है। एक बार एक यंग लड़का होता है जो तलवारबाज बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं बहुत बढ़िया तलवारबाजी करूं, तलवार चलानी सीखूं। तो वो एक टीचर के पास जाता है जो तलवारबाजी सिखाने के लिए बेस्ट माना जाता है। वो जाके पूछता है कि सर, मुझे अपनी कंट्री का सबसे बेस्ट तलवारबाज बनना है, सबसे अच्छी तलवार चलाने वाला बनना है, स्वॉर्डमैन। तो वो टीचर बोलता है कि ठीक है, तुम बन सकते हो। तो वो बच्चा पूछता है कि कितने साल लगेंगे मुझे। तो टीचर बोलता है कि आपको कम से कम 10 साल लगेंगे इसको। ठीक है, वो कहता है कि ऐसा करता हूँ, मैं रोज खूब मेहनत करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। आप जो भी चीजें सिखाओगे उसको जल्दी से कर लूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, आप बताओ कितने साल लगेंगे। तो टीचर बोलता है कि अब तुम्हें लगेंगे 20 साल। फिर वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं सर और ज्यादा मेहनत करूंगा और जल्दी से सीखूंगा, मतलब मुझे जल्दी से जल्दी बनना है बेस्ट, एकदम इंडिया का या अपनी कंट्री का बेस्ट बनना है। तो कितना टाइम लगेगा? तो टीचर बोलता है कि आपको 30 साल लगेंगे। अब आपको ये वीडियो पॉज करना है और ये सोचना है कि जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी मेहनत कर रहा था, वैसे वैसे टीचर ऐसा क्यों कह रहा था कि टाइम ज्यादा लगेगा? पहले 10 साल लग रहा था, फिर 20 साल, फिर 30 साल। अब पॉज करें वीडियो को और इसका आंसर सोचें। टीचर ने जो कहा ना कि टाइम ज्यादा क्यों लगेगा, उसका रीजन यह है कि जब हम चीजों को जल्दी जल्दी करते हैं तो हम स्लो सीखते हैं। हर चीज को सीखने का एक टाइम होता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी सीखना चाहोगे तो आप उसको परफेक्शन के साथ नहीं सीख पाओगे। और जब हम जल्दी सीखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा कूल नहीं रहता है बेसिकली। तो हम बेस्ट कब एब्जॉर्ब करते हैं नॉलेज को? जब हमारा दिमाग जो है वो शांत रहता है और पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम के अंदर ही हम कर सकते हैं। हम सोचें कि हम 1 महीने के अंदर ही किसी भी पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक टाइम है, उस टाइम बाउंड में करना है और दिमाग को शांत रखते हुए तैयारी करनी है। चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की तैयारी हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई काम हो, दिमाग हमेशा अपना शांत रहना चाहिए और उसको टाइम लेने दो। टाइम के साथ साथ आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट जरूर बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद।